आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर जो आपको बैक पेन, नी पेन और क्रोनिक पेन में बहुत ही अच्छा रिलीफ देगा। तो चलिए जी बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल ईट विद टेस्टी वाइट। आज की रेसिपी एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है जो आपको मानसून में होने वाले पेन से भी रिलीफ करेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 50 ग्राम मखाने और 20 मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। 1/4 कप यहाँ पे मैंने मेलन सीड यानी कि खरबूजे के बीज लिए हैं। 1/4 कप ही मैंने कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाउडर बनके रेडी है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब सेम जार में मैंने यहाँ पर 150 ग्राम मिश्री ली है। यहाँ पे मैंने धागे वाली मिश्री ली है जो कि ठंडी भी होती है, तो आपको इस गर्मी में ठंडक का एहसास भी कराएगी। इसको ग्राइंडर जार में डाल के मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। अब चलते हैं पैन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उस पर मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करा है और ये जो हमने अपने मखाने, आलमंड और सीड्स का पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मीडियम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जिससे जो इसका कच्चापन है वो भी चला जाएगा और इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे इसको आपने अच्छे से भूनना है 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर में इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और इससे एक अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाती। तो यहाँ पे हमारा पाउडर भून के रेडी हो गया था, तो मैंने उसको साइड में रख दिया है निकाल के। और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब नारियल लिया है, ये ग्रेटेड नारियल है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि नारियल बहुत ही जल्दी भुन जाता है। तो इसमें आपको फ्लेम को लो रखना है और बस इसमें हल्का सा जैसे कलर इसका चेंज होने लग जाएगा फिर हम इसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे नारियल का कलर हल्का सा चेंज होने लग गया था, तो मैंने उसको निकाल के साइड में रख दिया है इमिडिएटली, वरना वो ओवर कुक हो जाता। यहाँ पर मैंने 1/2 कप वाटर लिया है। वाटर में जैसे ही अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हमने जो अपनी मिश्री का पाउडर बनाया था रॉक शुगर का, उसको हम इसमें डाल देंगे अच्छे से और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा पाउडर डाल दिया है। इसमें गैस के फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देना है। बीच बीच में हम इसको मिक्स करते रहेंगे जिससे ये पैन में स्टिक नहीं हो, और साथ में इसमें मैंने 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है, जिससे हमारे इसमें एक अच्छी से खुशबू भी ऐड हो जाएगी और फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। ये देखिए यहाँ पे बॉईल आना शुरू हो चुका है, तो हम इसको चेक कर लेंगे कि इसमें हल्का सा, बस आपने उस स्टेज तक इसको पकाना है। आपने एक तार या दो तार की कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस ये हल्की सी स्टिक होने लगे जिससे ये बाइंड कर ले हमारे पाउडर को, इतना हमने पकाना है। तो अब हम इसमें अपना जो पाउडर है जिसको हमने रोस्ट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ में नारियल भी ऐड कर देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, आपने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना ये ओवर कुक हो जाएंगी सारी चीज़ें और फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको गीला दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मिक्स होता जाएगा तो ये अपनी कंसिस्टेंसी ले लेगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे, तब तक आपने इसको पकाना है जब तक ये खुद ही पैन को नहीं छोड़ देता है। साथ साथ इसको साइड से निकालते जाएंगे और ये अपने आप ड्राई होता चला जाएगा। तो अच्छे से आपने इसको चलाना है और ये पैन को खुद ही छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए ये ड्राई होना शुरू हो चुका है, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, पैन में अभी स्टिक नहीं हो रहा है, बस इस स्टेज तक आपको पकाना है। और इसको निकाल के हम एक बाउल में रख देंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, इतना कि जितना आप बर्दाश्त कर सके। बहुत गर्म होगा तो आप इसके बॉल नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पर इतना आपने गर्म रखना है जिसको आप ईज़िली आसानी से छू सकें। तो यहाँ पर हम इसको हल्के हल्के हाथों से बॉईल बना लेंगे, लड्डू का शेप दे देंगे या आपको जिस शेप में चाहिए आप वो शेप दे सकते हैं। लड्डू बना के रखना इजी होता है। और ये देखिए ये मैंने बॉल बना लिया है, अच्छे से ये लड्डू बन गया है लड्डू के शेप में, और इसको साइड में रखते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड नारियल का बुरादा ले लिया है इस एक प्लेट में, और इसके ऊपर हम कोट करते जाएंगे अपने लड्डू को, तो इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। अच्छे से इसको कोट करेंगे और आप इसको जितने दिन के लिए चाहें, 10 से 15 दिन के लिए, तो ये बहुत ही ईजिली आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। और डेली आपके लिए बस एक लड्डू काफ़ी है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ये बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, आजकल की बिजी लाइफ में आपके लिए ये बेस्ट है कि एक बार बना लियो, आराम से 10-15 दिन ही आपके चल जाएंगे।
आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं जी अगली रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह।